खबर इंदौर से है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ विवाद के बाद नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ियों ने बीच बचाव करने आए वकील के घर पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान वकील और उनके परिवार ने खुद को घर के अंदर बंद कर अपनी जान बचाई। जब पत्थरबाज काफी देर तक नहीं रुके तो वकील और उनके परिवार के सदस्यों ने भी बाहर निकलकर उत्पातियों पर पथराव किया। इसके बाद नशेड़ी वहां से भागे। पथराव के कारण वकील के घर के सारे शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में रविवार रात बुजुर्ग महिला गुलाब बाई अपने परिवार की बच्ची के साथ बैठी थी। नजदीक ही देवा चिंतामणि अपने दोस्तों के साथ नशाखोरी कर रहा था। बुजुर्ग महिला ने उसे रोका तो वह विवाद करने लगा। इस दौरान पासी में रहने वाले वकील शुभम सुनहरे और उनके चाचा सुनील सुनहरे बीच बचाव करने आए तो देवा और उनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान देवा ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और शुभम के घर पर पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक यहां पथराव होता रहा। वहां रहने वाले लोगों ने अपने घर के दरवाजे लगा लिए और डर के कारण अंदर ही दुबके रहे। पुलिस ने सुनील और वकील शुभम की शिकायत पर करीब 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया है। वहीं कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया है। पुलिस इस मामले में हंगामा करने वाले देवा चिंतामणि रजत गोहर शरद पेमाल गोकुल उठवाल संदीप कल्याणे और लोकेश गोहर सहित उनके साथियों की तलाश कर रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।